मेरा नाम अरुण कुमार है, मैं एक कला स्नातक हूँ और व्यवसायिक प्रशिक्षण के रूप में मैंने 2 वर्षीय JVT कोर्स किया है। शिक्षण में मेरा अनुभव 7 वर्ष का है। मैं हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में JVT अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। मेरे जिला सोलन की खास बात यह है कि इसके शहर सोलन को खुम्ब शहर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के लोगों का व्यवसाय कृषि है और कृषि में भी यहाँ टमाटर की बम्पर पैदावार होती है। इसी वजह से सोलन शहर को सिटी ऑफ रेड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। सोलन जिला के शिक्षा खंड कंडाघाट में राजकीय प्राथमिक पाठशाला जोखा घाटी में JVT अध्यापक के रूप में मैं कार्यरत हूँ। यहाँ छात्रों की संख्या 11 है और सभी छात्र ग्रामीण परिवेश से आते हैं। पिछले लगभग 1 वर्ष से कोरोना महामारी की वजह से बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं और जिसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस लगानी पड़ रही है और इस वजह से समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं दिखा पा रहे और मुख्य समस्या गणित विषय को लेकर आ रही थी। तो इस दौरान मैंने ZIIEI प्रशिक्षण प्राप्त किया और इस प्रशिक्षण के दौरान मुझे कई सारे नवाचारों का ज्ञान और इन नवाचारों के दौरान मैंने देखा कि इनमें से अधिकतर नवाचार बिल्कुल मुफ्त थे। इसी प्रशिक्षण के दौरान इनोवेटिव पाठशाला के बारे में भी पता चला और ZIIEI की इनोवेटिव पाठशाला ऐप का पता चला और इस ऐप को मैंने डाउनलोड किया। इस ऐप को चलाने के दौरान मैंने देखा कि इसमें प्रत्येक कक्षा के सभी विषयों के हर पाठ को बड़े सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाना सिखाया गया है और एक ही कंसेप्ट को पढ़ाने के कई कई तरीके, कई कई एक्टिविटीज भी दी गई है। इसे पढ़ाने के तरीकों में काफी सुधार हुआ और मुझे काफी अच्छा लगा और इसे मैंने बच्चों के साथ ऑनलाइन पढ़ाई में भी इम्प्लीमेंट किया जिससे बच्चों की इसमें रुचि बढ़ी। जैसे कि बच्चों को 4 अंकों की संख्याएं पढ़ाना सिखाने के लिए इसमें एक गतिविधि बताई गई थी जिसमें बच्चों की जन्म तिथि से ही 4 अंकीय संख्याएं बनवाई गई और इसी एक्टिविटी को जब मैंने बच्चों के साथ किया तो बच्चों ने इसमें काफी रुचि ली, सीखना भी उन्हें काफी आसान हुआ। तो इसके अलावा एक अन्य गतिविधि जो कि जिसका नाम चक्के पर चक्का था वो भी कराई गई, उससे बच्चों को काफी हेल्प मिली और इस चक्के पे चक्का गतिविधि से विस्तारित रूप, गणित में विस्तारित रूप और स्थानीय मान की पुनरावृत्ति कराना काफी आसान और काफी इंटरेस्टिंग लगा। तो इस तरह इन एक्टिविटीज को कराने से मैंने देखा कि बच्चों में रुचि बढ़ रही है, वे जल्दी सीख रहे हैं और उनकी जो ऑनलाइन अटेंडेंस है, ऑनलाइन क्लासेस में जो अटेंडेंस है वो बढ़ रही थी। तो इसके अलावा कई गतिविधियां मेरे मन में भी थी जिनको मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था, तो इसके लिए इन गतिविधियों पर मैंने अपने ZIIEI प्रशिक्षक श्री विनय सर जी से बातचीत की और उनसे अपने विचार साझा किए। उनसे मुझे इस बारे मार्गदर्शन मिला और मैंने इन गतिविधियों को भी अपने ऑनलाइन क्लासेस में इस्तेमाल किया। तो इस प्रकार मैं देख रहा हूँ कि इस प्रशिक्षण के कारण बच्चे सीख रहे हैं, सीखने में रुचि ले रहे हैं, इसके साथ साथ उनकी ऑनलाइन अटेंडेंस बढ़ रही है और पढ़ने पढ़ाने के तरीके में, सीखने सिखाने के तरीके में सुधार आ रहा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि जिला स्तर पर मेरा स्कूल मॉडल स्कूल के रूप में स्थापित होना चाहिए। धन्यवाद।